हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेमंत की रसोई। हेमंत की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल से ऑमलेट। जी हाँ, अब आपको बचे हुए चावलों को ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे बहुत ही टेस्टी ऑमलेट बना सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। बचे हुए चावल से ऑमलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 अंडे ले लिए हैं। इन्हें एक बोल में हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे और अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें हम आधे कप बचे हुए चावल डालेंगे, एक छोटी प्याज बारीक काट कर डालेंगे, एक छोटा टमाटर बारीक काट कर डाल देंगे, 2 हरी मिर्च बारीक काट कर डाल देंगे, 1 टेबल स्पून हरी धनिया बारीक काट कर डाल देंगे, 1 टेबल स्पून हरी धनिया के मुलायम वाले डंठल बारीक काट कर डालेंगे। इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। और लास्ट में 1 इंच अदरक के टुकड़े के लच्छे काट कर डालेंगे। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर ऑमलेट का बैटर रेडी है। अब हम ऑमलेट बनाते हैं। ऑमलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक तवा ले लिया है। इसमें सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम हर तरफ फैला देंगे ताकि ऑमलेट हमारा कहीं से भी चिपके ना। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें हम ऑमलेट का बैटर डाल देंगे। इसे आराम से फैला दीजिए। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम हाई हीट में रखेंगे ताकि ऑमलेट अच्छे से हर तरफ से पक जाए और नीचे से ये जले भी ना। ऑमलेट अभी एक साइड से पक चुका है, अब इसे हमें फ्लिप करना है, तो इसे हम बहुत आराम से फ्लिप कर देंगे। एक साइड से ऑमलेट बहुत अच्छे से सिक गया है। अब गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर लो टू मीडियम में रखा है और इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि ये अंदर तक सिक जाए, क्योंकि इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है। इस ढंग से आप इसे हल्का हल्का प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑमलेट अच्छे से दोनों साइड से सिक चुका है, अंदर तक पक चुका है। तो यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दी है। आप इस ऑमलेट को हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।